नमस्कार बच्चों, कई बार हमने देखा है कि हमें किसी ओकेजन पर पहनने के लिए अपनी ड्रेस मैचिंग के इयररिंग नहीं मिलते हैं। आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से घर पर ही उपलब्ध सामान का यूज़ करके ड्रेस की मैचिंग के इयररिंग बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें आवश्यकता होगी कढ़ाई के धागों के टुकड़ों की जो कढ़ाई करने के बाद में बच जाते हैं, एक इयररिंग हुक, ऑल पिन, एक छोटा सा कॉम और सीजर। सबसे पहले हम अपने धागों के जो पीसेस बचे हुए हैं उनको इक्वल साइज़ में कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम एक धागा जो थोड़ा लंबा कट किया हुआ है मैंने, उसको हम ऐसे डबल फोल्ड करके और हमारे जो इयररिंग का ये जो सर्कल है इसके अंदर से निकालेंगे। इयररिंग के हुक का जो ये सर्कल है इसके अंदर से इतना डालने के बाद में इसको हम इसके अंदर से ऐसे निकाल के और कुछ इस तरीके से फंसा लेंगे और टाइट कर लेंगे। कुछ उसके बाद आप इसको एक ऑल पिन से या तो ऑल पिन का सहारा लें या आप किसी को पकड़ा के भी इसको आगे बना सकते हैं। हमने जो ये अलग अलग तरीके के रंग कट किए हुए हैं इनको जैसे हमने फैदर की चेन बनाया था धागे से, ठीक उसी तरीके से इसमें हम बनाते हुए चले जाएंगे। मल्टी कलर है मेरे पास, आप सिंगल कलर का भी यूज़ कर सकते हो, डबल कलर का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपकी ड्रेस में मैचिंग जाए उस तरीके से इसको बना सकते हैं। हमने ये फैदर का इस्तेमाल अपने ड्रीम कैचर में भी किया था, की चेन में भी किया था। तरीके से इसके बाद अगर ये नॉट आपको वहाँ समझ में नहीं आती तो आप यहाँ देखिए, इस तरीके से हम एक साइड को इस लूप में फंसाएंगे, उसके बाद इस धागे के नीचे रख के और इस लूप में से इस किनारे को निकाल देंगे। इसी तरीके से आपके पास जितने कलर हैं या जिस जो भी रंग आप इसमें डालना चाहते हैं वो यहाँ तक डालें। देखिए मैंने इतने धागे डाल लिए, उसके बाद हम इसको बराबर करने के लिए और इसके धागों को सुलझाने के लिए हम थोड़ा सा इस तरीके से कंघे से इसको सेट कर देंगे। ऐसे कॉम करने के बाद में आप इसको अपनी मनपसंद आकृति में कट कर सकते हैं। मैं इसको एक लीफ का शेप दूँगी। तो देखिए तैयार है हमारे ये इयररिंग, ये बहुत ही खूबसूरत है और आप इनको अपनी ड्रेस के हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इयररिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसी तरीके से और भी अलग अलग तरीके से अलग अलग इयररिंग बना सकते हैं।